वेटिकन सिटी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। पृथ्वी पर सबसे छोटा और सबसे स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर के रोम के अंदर स्थित है और इसकी राज्य भाषा तालिनी है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोशन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप का यही निवास है। दुनिया में काफी कुछ दिलचस्प है, कुछ जातियों की परंपराएं तो कुछ देश। दुनिया का ऐसा एक दिलचस्प देश है वेटिकन सिटी। निश्चित रूप से कुछ लोग जानते होंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। जो लोग नहीं जानते वह जानकर चौंक जाएंगे कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या लगभग 1000 नागरिक की है। दूसरी खास बात यह है कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां बच्चे पैदा नहीं होते। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर यहाँ बच्चे क्यों नहीं पैदा होते, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल आता है, क्या वेटिकन सिटी में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि वेटिकन सिटी में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बताया जाता है कि 1983 में यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन वेटिकन सिटी के इतिहास में ऐसे बहुत ही कम दिन है जबकि यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। मजेदार बात यह है कि वेटिकन सिटी में अपने नागरिकों का जन्मदिन बड़े ही यादगार तरीके से मनाया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वेटिकन सिटी में बच्चों के जन्म न लेने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल वेटिकन सिटी की जनसंख्या मात्र 1000 ही है और यही लोग वृद्ध हैं। वेटिकन सिटी यूरोपीय महाद्वीप का एक ऐसा देश है जहां रोमन कैथोलिक चर्च का स्थित केंद्र है। वेटिकन सिटी एक संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास भी है। यही कारण है कि वेटिकन सिटी को एक मोहल्ले के बजाय एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया है, जबकि यह स्वतंत्र देश इटली शहर के रोम के अंदर स्थित है। चिकित्सक सुविधाएं रोम के अंदर भी उपलब्ध हैं। लेकिन चलिए इसके साथ ही जान लेते हैं वेटिकन सिटी के पास एक देश के रूप में क्या क्या मौजूद हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और पूरी तरीके से स्वतंत्र देश है। 7 जून 1929 को यह एक संप्रभु देश बना था। यह इटली के रोम शहर में बसा एक देश है। यहाँ की मृत भाषा लैटिन है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेटिकन सिटी की अपनी करेंसी है जो कि इटली में मान्य है। वेटिकन के पास अपना सेना भी है, भले ही वेटिकन सिटी अपने गाँव या मोहल्ले में छोटा है। इसका क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर और 4.40 स्क्वायर मीटर है। परंतु विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी नागरिकों के पासपोर्ट सुविधा मुहैया करवाता है। वेटिकन सिटी के पास अपना रेडियो स्टेशन, डाक टिकट और रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी होगा कि वेटिकन सिटी की शासन व्यवस्था कैसी है, क्या यहाँ चुनाव होते हैं, क्या इसके बारे में आप जानते हैं। वेटिकन की शासन व्यवस्था राजशाही है, यहाँ चुनाव नहीं होते। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप यहाँ पर राजा होता है, जिसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबकी शक्ति है। पोप 5 साल के लिए वेटिकन सिटी के प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है। आमतौर पर प्रेसिडेंट कैथोलिक चर्च का कार्डिनल भी होता है। तो गाइस, वेटिकन सिटी की सच्चाई को आप पहले जानते थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।